कि बहुत देर करती हजूर आते आते। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल कुश्ती देख रहे हो, सबसे कम उम्र के जो कोच है वो इस टाइम रेफरशिप करते हुए फिलहाल आखिरी कुश्ती है। बहुत अपना लाइव तस्वीर आप देख रहे हो। अमरनाथ भाई जी, थैंक यू सो मच जी। मैच की कुश्ती चल रही है, कैथल का थर्ड राउंड है। फिलहाल लाइव तस्वीर आप देख रहे हो, पहलवान तैयार रहे और आशीर्वाद के लिए भी हमारे फौजी साहब और हमारे प्रभु भाई आशीर्वाद के लिए आएंगे। जबरदस्त कुश्ती होगी, बहुत भयंकर वाली। कोई बात नहीं, करो करो शुरू करो। अगली कुश्ती को आशीर्वाद हमारे कर्मो भाई कर लो। संसार क्रांति से साथ में हमारे फौजी साहब है पारू से। चलो फिलहाल देखो दूध दही का खाना यूमर हरियाणा जो पिछाण है अपने हरियाणा की। बड़ी कुश्ती है, बारह कुश्ती है और कुश्ती है। आज के दंगल का बहुत बड़ा मुकाबला आपके सामने है। चलो फिलहाल आप देखो मतलब भाई किसी भी परीक्षा के मोहताज नहीं है हमारे बीच पहुंचने पर। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। तो फिलहाल दसों पहलवान डोटी मोड़ पे आया जी, मुझे दसों पहलवान फायदा साहब खड़े हैं। फिलहाल देख कुश्ती देखते रहो, कुश्ती देखते रहो। हमारे डॉक्टर संदीप कश्यप जी बहुत बड़ी कुश्ती है जिन्होंने बहुत बड़ा दान इसे दंगल की बात हो तो मैच का दंगल श्री संदीप कश्यप जी आज आज आपने मिल पाऊंगा मैच चेयरमैन या गुरमीत पेगा तो उसके खिलाफ एक पॉइंट दिया जाएगा। खड़े ही बोलना अमरनाथ खड़े बोल रहे। ये देखो भाई बैंकर एंकर बैंकर। अच्छा गुरमीत भाई किधर है जी? गुरमीत जी आज 3 लाख की कुश्ती जीती है। 3 लाख की कुश्ती जीती है भाई। चलो मिलवा दूं मैं गुरमीत जो कि अच्छा हाँ करमवीर फौजी बैठे भाई। तो फिलहाल देखो लंबा तगड़ा लंबा ठाठा तगड़ा मन भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई पहलवान जी को। दिल की गहराई थे, दिल की गहराई थे। रुको भाई एक दिल की गहराई थे। दिल का चौहा में तो गठड़ी बहन का रोटे भर के चोले ठोक के पूरे भर के। ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। 3 लाख की कुश्ती जीती है गुरमीत पेगा भाई जो परिचय का मोहताज नहीं है। एक मिनट रुक जा भाई, टाट ले जा ले तेरे कणी और ही है कणी दंगल में भेजते हैं। चलो गुरमीत भाई फिलहाल मैं बहुत दूर था लेकिन मेरे मतलब गुचाठी तो लग रही थी दंगल देखना है लेकिन फिर भी जितना मेरे पे टाइम लिया मैं पहुंचा हूँ। और गुरमीत भाई जरा पहुंचे है तो एक ईसा तक मैं अभी जीत के लिख रहा है। तो कितनी देर चली अपनी अभी कुश्ती है? दूसरा राउंड में हुई है बस। 3 मिनट का पहला राउंड सब 5 मिनट कुछ चली हुई। दूसरे पहलवान जी कौन से थे? ये अपने पंजाब से थे नवदीप जी, पंजाब से। चलो फिलहाल देखो एक लंबी तकड़ी कदकाठी का मानस एक टार्चन पहलवान गुरमीत पेगा पहलवान जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। देश विदेश में एक पहचान बनाई है, हरियाणा का नाम रोशन कराया है गुरमीत पेगा भाई। जब 3 लाख रुपए जीते हो हाँ जी भाई तो फिर कोई दिक्कत आ रही हो तो की बता दी। ढूल साहब तो बताते हैं आप रख लियो भाई साहब आप फिर बोले तारी खुशी मारी खुशी। एक चीज और नहीं, 3 लाख तक बड़ी जो वैल्यू है वह अपनी जीत और हरियाणा का नाम रोशन करने की। जो चोड़ है नहीं उनका छाती चोड़ी हो जाए नू छाती चोड़ी हो जीत के देख लो। फिलहाल कैमरा में आप तस्वीर देखो यहाँ प्यार है तोर भी ज्यादा हुआ भाई साहब जीतते भी ज्यादा खुशी हुआ है तो इतनी दूर ताओ हो आप। और देखो कमाल की बात है 40 डिग्री टेम्परेचर है 40 डिग्री टेम्परेचर दिन में तो 44 भी हो रहा था। तो जी हरियाणा के पहलवाने की बात आओ तो यू जाथर बला दूध दही का खाना यू मरा हरियाणा तो यह पहचान है। तो फिलहाल आपको ढेर सारी शुभकामनाएं गुरमीत भाई। और कोई अपने जो जितने भी पहलवान है जो अपनी पहलवानी में जमखम दिखाना चाहते हैं? हालांकि मैं तो माटी का सोच रहा था आपने मैट में भी वही बता ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हो और भी जो पहलवान अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहे अपना भविष्य बनाना चाहे कोई मैसेज गुरमीत भाई? बहुत बढ़िया अपनी मेहनत करो और अपने पहलवानी करो बढ़िया तरीका तो नशा तक बचो और अपने पहलवानी पर ध्यान दो। इसमें अपनी लाइफ भी है सब कुछ है भाई। पैसा भी है इज्जत भी है फेम भी है मान भी सम्मान भी अवार्ड भी रिगार्ड भी और मेहनत भी। एक एक कुश्ती अभी हुई है ठीक है जी पहलवान जी इसमें कौन जीता है? ओवर की
चलो फिलहाल आप देखो गुरमीत भाई किधर गए, ये पहलवान जी की पहचान यह है हर कुश्ती को जीतता भाई, हर कुश्ती को जीतता, जिस कुश्ती में चले जावे गुरमीत की पहचान है, जीत कर निकला है। फिलहाल आप देखो दमखम दिखा का है, घात है पूरा घात, टमाटर पर लाल चमकर लाए रहे हैं, देख लो आप ये पहचान है पहलवान जी। ठीक है पहलवान जी, शुभकामना आ जाओ जी, आशीर्वाद देंगे हमारे गुरमीत साहब हैं जी भाई, ये एंकर बैंकर है भाई अमरनाथ। तो फिलहाल देखो या जो पब्लिक जितनी भी वाई बात है, इतनी गर्मी में बैठे हैं नी, जो छोंक ला रहा है अमरनाथ पहलवान जी, छोंक लगाते हैं, ये किस किस की चल रही है बताओ। ये कुश्ती ये सेमीफाइनल थर्ड के लिए कुश्ती है ना, ये आओ भाई इंट्रोड्यूस कीजिए, ये कर्मु भाई को कुश्ती है, ये सेमीफाइनल कौन कर रही है, सेमीफाइनल दोनों में से जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा जी जी जी। चलो वो क्या लाके ये तो आयोजन करता बता, अच्छा अच्छा लोडी किधर है, और वो जो जस्सू पहलवान जी का इंटरव्यू कहां सुनो कड़ा ऐसा ही साहब जस्सू जी वो सामने खड़े कहां खड़े उधर, अच्छा अच्छा उधर भाई जी जी बाय बाय पेगर। तो फिलहाल आप देखो करमवीर फौजी आप देखोगे और ये अपनी कुश्ती के बारे में कुछ गायक है गुणगुणा के, मैं देखो वही बात है जी और दंगल में, हाँ तो दंगल में बात होगी तो फिर कुश्ती का कोई गाना तो भाई है, ये कुश्ती खत्म हो लगी मेरी कर्म हुई कुश्ती होनी है फाइनल अपनी चल रही है, हाँ हमारी दोनों नाम राशियां की फाइनल कुश्ती होनी है वह जरूर देखियो, और बराबरी में छूट रही है अपनी तो क्यों दिक्कत बन रही है। बढ़िया करमवीर भाई आन तो हरियाणा जुड़ी स्वागत है कर्मू भाई हमारे दंगल में आप आयो, ढोल का खड़का ना करे भाई, बहुत अच्छी बात है सपोर्ट्स जो है बजाने वाले हां सारे एक के महकमे के बंदे हां, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हां जी दसो के कह रहे थे आन जो कोई प्रस्तुति आन दो हरियाणा से रिलेटेड अपनी कोई हरियाणा से माटी से जुड़ी हुई कोई चीज गुनगुना दो आन दो हां जी सारे गाने हो चिंता ना करो जी भाई, करमवीर फौजी ने इतने गालिए ये भी इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रही है, ओ गजनी वाला काम हो रहा 15 मिनट खतर भूल रहे है व्यू ना मेमोरी 15 मिनट खतर याद है खड़का गाना ना ना आन तो इसमें पूरी सुनेगी किसमें अपने तो ऑडियो डिवाइस मैच है ना अटैच हो रही है जी, तो हेरा तीजा का त्योहार है आया, सबके दिल में खुशियां लाया, चोगर देने बाग हरियर गन गोर घटा सामन की छोरी गावे, अरे छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली सामन की, छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली कामन की। ये खरज में भाई खरज में और जुमा कदी उन्होंने बोले देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, बाबा भोलेनाथ करो गा देगा ना गोरा खड़ी खड़ी तू हल रे अज चल कसूती चले, चल कसूती चले रे अज चल कसूती चले रे, अज करके छोटी ढिली रे भोले भंग मने भी पीली, अज करके छोटी ढिली रे भोले भंग मने भी पीली। पहचान बनी थी पतला पतला दुपट्टा क्योंकि दुपट्टा तेरा मुंह हां वो एक बार वो जरूर, अरे मेरे ओढ़न पैरन के दिन पिया बात बात पे क्यों जी खै पतला रगोरी पतला रगोरी पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे, ओ मेरा गोरा रंग से काला सूट सिमिया भूरे रंग ने लकोले मेरी बडमा, ओ मेरा ईसा मरद पल्ले पड़ा मैं राजी ना बिल्कुल जी खै पतला गोरी पतला हेरा पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे। चलो गोरी का मुंह भी दिखा पहले कुश्ती कुश्ती दिखा दे, ओहो गजब का सीन गया गजब का सीन गया, क्या बात है देखो तोड़ पाट रहा दमा तोड़ पाट गया दमा, चलो एक एक क्या बात है क्या बात, चलो नजदीक चलो जस्सू भाई ठीक है जस्सू पहलवान जी बताओ जी कुश्ती के बारे में, पहलवान रोहतक एक बार भाई जो बाइक मैन है बाइक मैन जस्सू पहलवान मेरी बाइक जीते हैं, राम राम तो जी राम राम सभी दंगल के बारे में बताओ, एक लाख की कुश्ती जीती मटका दंगल दा जो सतबीर को साहब जागरण साहब और गुरमीत करवा रहे थे जी जी जी, हां तो बढ़िया दंगल चल रहा है मटका पुरसन अब सभी नन्ना सा छोड़कर अपना खेल की तरफ आओ
और ऐसे प्रोग्राम कराते रहे। चेंज मैं जो देख ला रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग होने लग रही बातें, मैट को भी महत्व दिया, हालांकि मट्टी के दंगल देखा ये चीज है, ये है जैसे ओलंपिक में जाना है तो इसकी मैट पे लड़ना पड़ेगा, इस पे खेलना पड़ेगा, ये पॉइंटों का खेल है यहाँ। ये रोहतक और हिसार का मुकाबला सवाल है, मित्रा दी मुछदा सवाल है, भारत के सबसे कम उम्र के कोच इस टाइम रेफर सिद्ध कर रहे हैं प्रदीप। बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है, बड़ा कांटे का मुकाबला आपके सामने हो रहा है और हमारे जिला पार्षद हमारे करमबीर फौजी साहब हौसला बढ़ा दो, स्वागत आपका इस बजरंग बली के स्थान पे। 36 बिरादरी का आशीर्वाद हमारे करमबीर जी, हिंदुस्तान की बुलंद आवाज है हमारे करमबीर फौजी जी। फिलहाल आप देखो प्रदीप जी रेफरशिप के दौरान, ये देखो कहाँ के पहलवान भाई, कहाँ के पहलवान जी, हाँ भाई जीतने वाला पहलवान कर्म भी हुआ कर्म भाई से मिले एक बार जी जी, हाँ जी अच्छा अच्छा आज पहलवान जी क्या नाम है जी, अगली कुश्ती जी थोड़ा अच्छा कुश्ती है, ओके ओके रिकवरी कर लो कोई बात नहीं। चलो फिलहाल आप देखो एक दमखमर जाथर का जो खेल है वो है कुश्ती, उसे की तो पहचान है। फिलहाल आप देखो कर्म जी एक मिनट जी 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 मलकीत भाई, चलो फिलहाल देखो देखो एक तरफ बड़ा दंगल चल रहा है तो उड़ान भी एक दंगल हुआ है, इस दंगल बिना वो दंगल अधूरा, उस बिना यू दंगल अधूरा। मलकीत भाई राम 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 भाई सारे और भाई ठीक ठाक भाई सब बढ़िया। एक बार नु खींच के बोलते देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुठा टेक, लाइक शेयर पर गुठा टेक। देखो जब याड़ा वाली सीट पे जब बैठे कोई बंदा है उसका जो प्रकाश है उजाला है उस दंगल पर पड़ा है, क्योंकि कृपाता वह है और खिलाड़ियों के जो वजूद है उस अस्तित्व की जो उस वजूद को अस्तित्व को बचाए रखने की जिम्मेवारी इन लोगों की बना है, तो ये बीच बीच में आहुति डाल दे रहे हैं, आवन चलता रहा है तो वह आहुति की वजह तो यू चला है। तो मलकीत भाई फिलहाल आप देखो दंगल, हालांकि गर्मी है लोग ने भी सोचा है सिम पड़ जा, आपने भी इससे मतलब देखो गर्मी तो महसूस हो रही होगी लेकिन इस खेल की वजह तो इस खेल में श्रद्धा रास्ता की वजह तो आप बैठे हाँ तो गर्मी और भी ज्यादा हो जो उठने का तो नहीं मतलब कोई मतलब नहीं उठने का। तो बताओ जी आज वाला जो दंगल है इसके बारे में कुछ बताओ थोड़ा। ये सब ये अपना जो दंगल करवा रखे अपने भाई साहब है सतबीर कोच जी, अंतर्राष्ट्रीय यूएसए मेडलिस्ट है ये, और गुरमीत भाई साहब जिन्होंने अपना दंगल करवा रखा है, और ये देखो इनकी बहुत अच्छी सोच है इस खेल को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि इस टाइम देखो आप देख सकते हो हमारे हर दिल्ली जाके देखो आप कितना बुरा हाल हो रखा है सरकार में खिलाड़ियों का, लेकिन उसके बाद भी यहाँ देखो आप कितना यहाँ पे देखो जोर लगता है मेडल जीतने के लिए। ठीक है जी, अच्छी बात यह लगी मैच की कुश्ती के दंगल हो रहे हैं तो ये टेक्निकल चीज है अपना ओलंपिक में भी फिर। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए जो अपने मट्टी वाले दंगल है ये अपने यहाँ एक हरियाणा तक सीमित है, लेकिन जो नेशनल लेवल पे जाते हैं तो सब इसी के ऊपर खेलना है, तो ये बहुत अच्छी मतलब एक मान के चलो जो इन्होंने करवाई है बहुत अच्छा बढ़िया मतलब इनके लिए आगे फायदेमंद की चीज है ये, क्योंकि मट्टी वाले में इसमें दिन रात का फर्क है मैट वाले। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल आप देखो संत समाज की आप बात करेंगे, महाराज जी बैठे, महाराज जी क्या नाम है, गुरु भगवान का बेग का दिया हुआ मटोर से अशोक नाथ जी। अच्छा अच्छा आप मटोर से ही बाबा जी, मैं मिला हूँ शायद मटोर तो है ना, यहाँ पे आए थे हम तपस्या कर रहे थे वहाँ पांच दुनिया की। तो भाई देखो ये देखो आप ये त्याग है, यू त्याग है, गर्मी कितनी है और आप ये इनके जो वस्त्र देख रहे हो आप कल्पना करो इतनी गर्मी में जब या बोरी टाइप की चीज लपेट लो तो आप कैडी तो छोटी तो पसीने आ जाए, लेकिन ये तपस्या का फल है इनको। ये महाराज जी किस चीज इसको क्या बोलो आप, इसको टाटम्बरी बोलते हैं, बोले तो त्यागी स्वरूप होता है, बोले तो वस्त्र से साधु की हट होती है, जैसे बोलते हैं ना अपने त्रिया हट घोड़ा हट राज हट साधु हट, तो ये हट होती है भाई परमात्मा को रक्षनाथ जी महाराज इस नगरी में इस गांव में सुख शांति समृद्धि का वास हो अच्छा रहे, जब तक मैं ये पार हुआ जब तक मेरी जीत है जब इसमें सुख शांति रहेगी। एक हट बुरी चीजें तभी हट भाई उसकी भी हट होनी चाहिए, तो हट रखो। तो फिलहाल आप देखोगे, हाँ जी आपका परिचय महर्षि कश्यप, आज बताते रहो फिर आप आओ अमरनाथ जी एक बार बताते रहो। अच्छा जी जी डॉक्टर साहब देखो हालांकि जब डॉक्टर की बात आ है तो इस खेल तो जुड़े रहो तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े वैसे तो बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन डॉक्टर जी भी इस खेल तो जुड़ के तो और भी अच्छी बात है, सोना सुहागा है। बिल्कुल जी 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 आपका परिचय जी, भाई साहब राम 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 जी, मेरा नाम बलकेश इसलाय करमू जी जी बलकेश, और
नाम भी लिंग है बलकेश बलका एक काम चल रही बाकी बड़े सीधा होने लाई रहे। चलो जी हाँ जी गुरुदेव शीशला भाई गुरुदेव शीशला जी वाह शीशला शीशला धाम से मशहूर है भाई क्यों जी माया था एक बार गांव में ये बहुत बड़े सहयोग है शमशेर जी शमशेर जी शमशेर जी शमशेर सजुमा देखो भाई ये भाई फिर नाम में आड़े फीलिंग आ रही है कैमरा सही टेक दे जमा हां जी शमशेर सिंह सजुमा शमशेर सिंह सजुमा तो भाई बोला नाम के बोला सराफत अली बोला नाम बोला सराफत की होते हो कि नाम में सराफत अली तो नाम में शमशेर हर शेरा का खेल है तो शमशेर जी देखो यू जो खेल सेमी चल रहा है खिलाड़ियों का जो हौसला आड़ा है बैठ के कोई व्यक्ति नहीं बढ़ावा तो खिलाड़ियों का हौसला टूट जाए इस बिना मार पे भी बैठा जाता है इस बिना अपना भी बैठा मम सवेरे को भी बैठा बिल्कुल बढ़िया बात है ये बहुत बड़ी बात है एक खिलाड़ी का हौसला जी बड़ा जी आड़ा वाले लोग उसका उसको मान सम्मान अवार्ड रिगार्ड मान सम्मान अपना उनसे काम चला उनका अपने से काम चला अर्जी भाई यू कुश्ती का जो अस्तित्व है वजूद है यू जिंदा है अमरनाथ भाई कब तक चलेगी शराबी फिल्म में गाना नहीं गाया था उसने अमिताभ बच्चन का गाना था उसमें के गाया था बताइए थोड़ा सा कौन सा था सारे खरीद लिए थे उसमें भाई कल्ले ने गाना गवाया था बगैर उसके गाया जाना किसा था वो मेरा भूल गया था ना थोड़ी सी लग रही है गलती मेरा मुझे नौ लखा मंगा दे रहे हो सैया दीवाने बतावा कौन सा गाना था नहीं गाना मान लो सपोज कर लिया जी शमशेर जी का हमारे शमशेर भाई सुनाओ शमशेर जी भाई हमारे शमशेर भाई का कहना है कि इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए सिर्फ खेल कराना मकसद नहीं है हमारा बस इस इलाके की तस्वीर बदलनी चाहिए इस शहर की तकदीर बदलनी चाहिए जोरदार ताली हमारे शमशेर भाई के लिए धन्यवाद आपका बहुत अच्छे साथी हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी सवेरे से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आज इनको भी मैं बधाई देता हूँ बहुत बढ़िया जी शमशेर जी शुभकामनाएं और देखो एंकर के साथ साथ देखो भाई साहब नुनू मुकरी हो कान टूटा पहलवान नुनू मुकरो ये इसलिए मैं एंकर एंकर नहीं हूँ बैंकर है पहलवान भी है और कितने बजे तक चलेंगे अमरनाथ भाई दो दिन कुश्ती चलो फिलहाल आप लो एंजॉय कुश्ती का मजा लो और देखो भगवान ने कृपा कर दिया हवा चला दी ठंडी ठंडी जस्सू भाई आलिए हैं डोडी कड़े है चलो फिलहाल एक चीज की खुशी है ये सतबीर जो अयोध्या का मेन ओनर है सतबीर कोच जी सतबीर कोच जी अच्छा अच्छा आज इसको सुना करो आज सतबीर कोच जी आज कोच साहब सुनाओ ठीक ठाक जी करकुण बरा जी जाना जाना छोड़ चंदा बड़ा छोटा बुढ़ा डेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा सर नहीं मैं तो नूकू ना बताऊ जलेबी करके आज बलकेश भाई नहीं आज पुराना जा देखो देखो सतबीर कोच जी जी ये मौसम तो थोड़ा बदल गया वैसे तो बदल गया जी आपने देखा बदल गया जी ऐसे ऐसे भाई आगे कर्मू भाई आगे ना देखना मौसम ही बदल गया हमारा ठंडा हवा चलने लगी भाई अच्छा देखो इस खेल की हवा जब तक चलती रहोगी जब आप जैसे लोग आयोजक टीम और कोच मिलकर इनका हौसला बढ़ाते रहोगे यह जरूरी है यह हवा यह वह हवा जो पूरे हरियाणा की पहचान पूरा वर्ल्ड में बढ़ाओ जी गुरमीत भाई ये पूरी कमाई आयोजक मंडल है आप देव परिचय पूरा गुरमीत भाई आ जाओ भाई जी जी आओ जी कोई बात नहीं तो पूरी आयोजक मंडली है मलकीत भाई है उनकी टीम उनके साथी है और फिलहाल आज बलकेश जी देखो भाई ये या देखो इसलिए जरूरी है यू इसलिए जरूरी यू नजारा दिखाना ताकि इन देख के और मन में वो चाटी माचे और इस खेल की जोत कुश्ती रूपी खेल की जोत जगाए रखे और जोत की ज्वाला में इस खेल का अस्तित्व और वजूद जिंदा रहे और अपना हरियाणा का डंका दूर दूर तक बाजता रहे जहां तम कहा छाती ठोक के डंके की चोट पर नैट थे ऐंक मिला के कैस कहा भाई हरियाणा की पहचान है कुश्ती खेल और बतेरे लेकिन पहचान कुश्ती कबड्डी यह पहचान है तो फिलहाल गुरमीत भाई कहाँ गए इसने तो आके खड़े होने की जरूरत होनी सब तो पाछे भी चार दिन पहलवान है देखो एक बार देखो मैं दर्शक ने कहूंगा एक बार भाई तू ढोलक आए भाई तो ढोलक बचा एक बार एक यू नजारा एक वो नजारा चलो तो फिलहाल आयोजक मंडल है जो आजा भाई
वो मंडल का नाम पर याद है, बोले बच्चों सौर मंडल बताओ, बोले सौर में पड़ के जो मंडल पी जाओ सौर मंडल है। लेकिन यू मंडल खास है, यू मंडल को पीढ़ी वाला मंडल है, यू मंडल तो जरूरी है, यू आयोजक मंडल है। इस आयोजक मंडल तक पीढ़ी के मंडल पीने छोड़ते हैं लोग, क्योंकि जब दंगल चालेंगे खेल चालेंगे तो बीड़ी तक तो दूर रहोगे, बुराइयां तो बचोगे। बाबा जी को मैं हठ योग कर रहा हूँ, एक हठ योग एक हठ योग, बुराइयां तो हठ योग भी होना चाहिए। हठ योग इज इक्वल टू हठ, बुराई से हठ तो योग चाहिए। बाबा जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग लगे रहो जी इसी प्रकार से। अरनू ना सोचो भी गर्मी है, गर्मी ज्यादा होगी तो छोड़ दिया, गर्मी कितनी हो मर्जी गर्मी हो भाई कोई दिक्कत नहीं, जितनी गर्मी उतने ज्यादा पसीने लगने उतनी। ये सामने देखो, सामने देखो ये तस्वीर, ये देखो आप चल रही पूरी पीक पे कुछ नहीं। तो फिलहाल इन तस्वीरों में मैं छोड़ के जाऊं हूं, और भाई तुम चलन देने ना इसके के तेल लग रहे सुशील कहां से पहलवान जी रोहतक मेरे सिखाड़ा रोहतक। कितनी उम्र है? उम्र है 17 साल। 17 साल के पहलवान जी है भाई 17। अरे यू किसी का तरफ खतरा बन सके क्योंकि जोर पूरा उछल कूद। ये बाप अगली अपनी है, अपनी फाइनल है। अच्छा क्या नाम पहलवान जी? साहिल। साहिल हाँ। चलो दोनों साइड चलो 17 साल उम्र 17 और काम इतना बड़ा है। पे बाउ रुकती है तो रेड रेसलर विनर है। चलो प्रदीप कर दो भाई शेयर कर दो। महाराजा सूरजमल स्टेडियम है कैथल का